आई एम श्योर आपने इंस्टा का लॉन्ग पोस्ट इंस्टा पे देखा ही होगा, जो कि भाई जितना स्क्रॉल कर लो ख़त्म ही नहीं होता है। एंड अगर आपने नहीं देखा तो देख के आ रहे हो इंस्टा पे, नॉटी बॉय। देखो इस टॉपिक में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया था, तो काफ़ी लोग का ये कमेंट आ रहा है भाई कैसे करें, यहाँ पे पब्लिश बटन हमारा डिसेबल हो जा रहा है, एंड मोबाइल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में शॉर्ट आउट हो जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड आप कितनी भी लंबी यहाँ पे फोटो पोस्ट कर सकते हो भाई, करते जाओ स्क्रॉल करते जाओ। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो बाबा, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर गूगल ओपन कर लेना, एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है मेटा क्रिएटर स्टूडियो। अगर आप सर्च करने का जोन नहीं चाहते तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से विजिट कर लेना। पहले वेबसाइट के अंदर आ जाना, ये इंटरफेस होगा आपके सामने, एंड आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके आप अपने ब्राउज़र को यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे रख लेना, तभी ये सारा कुछ वर्क करेगा परफेक्टली। उसके बाद आप सभी यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना। ओके एंड गेट स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो गेट स्टार्ट पे आप क्लिक करना। ओके एंड उसके बाद आप अपना इंस्टा पेज एंड फेसबुक पेज दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करके रखना, तभी ये चीज़ जो है वर्क करेगा, इंस्टा पे मीन्स पोस्ट हो पाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे क्लिक कर देना है, एंड देन आपको यहाँ पे ऐड फोटोज़ का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको ऐड फोटोज़ पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, एंड आपकी जो फोटोज़ है यहाँ पे आप अपनी फोटोज़ को ऐड कर लेना। इधर आपके यहाँ पे अपलोड होने लग जाएगा, एंड नीचे आपका जो बटन है पब्लिश वाला वो डिसेबल्स होएगा। बट आपको क्या करना है, देखो ये कुछ सेकंड के लिए इनेबल होता है, आपका ज़्यादा फोटो लंबा होने की वजह से ये डिसेबल हो जाता है, तो पब्लिश के बटन पर क्लिक करते रहना है, क्लिक करते रहना है, क्लिक करते रहना है आपको अपलोड होते हुए में, एंड फिर ये कुछ सेकंड के लिए इनेबल होता है, एंड उसी दौरान आपका ये पोस्ट हो जाएगा आपकी फोटो। एंड ये देखो आप लोग यहाँ पे योर पोस्ट इज पब्लिश्ड, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फोटो जो है वो पोस्ट। ये देखने के लिए हम चलते हैं इंस्टा पे, तो मैं सिंपल इंस्टा ओपन कर लेता हूँ, एंड इंस्टा ऑन करने के बाद मैं प्रोफाइल के अंदर आने के बाद ये रहा, तो हमारे यहाँ पे फोटो जो है वो पोस्ट हो चुका है भाई। ये देख लो, इस फोटो के अंदर चलते हैं एंड करते जाओ भाई स्क्रॉल, करते जाओ, यहाँ पे फोटो परफेक्टली एंड अच्छे तरीके से यहाँ पे पोस्ट हो गया है। तो आप भी इस तरीके से इजीली यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, जितना आपको भाई लॉन्ग रखने का है अपने पोस्ट को उतना रख सकते हो। लॉन्ग कैसे बनाना है अपने फोटो मैं बताता हूँ। स्नैपशीट के अंदर चले आना, आपकी जो फोटो जो उसको यहाँ पे सिंपल पहले तो ऐड कर लेना, आप चार पांच फोटो को एक साथ मर्ज करके बना सकते हो फोटोशॉप की हेल्प से, आपको जैसा सही लगे। अपनी फोटो को पहले तो यहाँ पे क्रॉप कर लेना आप कुछ इस तरीके से, देख लो मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे तो भाई आपका 9:16 में पहले ही क्रॉप हो गया, एंड ये स्टोरी साइज का बन गया। और भी करना चाहते हो तो आप एक्सपैंड वाली ऑप्शन में चले आना, एंड इस तरीके से आप ऊपर की साइड में यहाँ पे इसका बैकग्राउंड एक्सपैंड कर सकते हो आप, परफेक्ट। और चाहते हो भाई तो वापस से जा करके इस तरीके से कर सकते हो आप जितना चाहो उतना, एंड यहाँ पे आपका फोटो जो है वो लॉन्ग बन चुके हैं। ये भी कमेंट काफ़ी आ रहा था मेरी लास्ट वाली वीडियो में कि भाई आखिर कैसे फ़ोटो को लॉन्ग करें, तो होप कि आप इधर से वो भी समझ गए होंगे। सो डैट्स इट, एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम थी कि मेरा बटन जो वो डिसेबल हो जा रहा है तो वो कैसे वर्क करेगा, वो भी आप इस वीडियो से समझ गए। सो डैट्स फॉर द टूडे, होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो जो समझ में आए कर देना, ठीक है। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक बस आप सब अपना ध्यान रखना। ओके बाय।